इस तरह बैगन पकौड़ा बन के तैयार होगा। कृपया पूरी वीडियो देखें तभी रेसिपी समझ में आएगी। रेसिपी बनाने के लिए इस तरह बैगन को गोल गोल काट लेंगे, पतला पतला, ये थोड़ी ज़्यादा मोटा है इसको पतला करेंगे। धनिया पत्ती ले लिए हैं, हरा मिर्चा ले लिए हैं, ये भी काटेंगे। ले लिए हैं थोड़ी सी बेसन, बेसन में डालेंगे नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, हम डाल लेंगे आधा चम्मच नमक। फिर डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला, फिर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। इसके बाद इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मिर्ची और धनिया पत्ती बारीक काट लिए, मिक्स करेंगे इसी में। फिर पानी डाल के बेसन को फेंट लेंगे। फेंट के तैयार कर लिए हैं, मेरा बैगन भी कटा हुआ है, इसमें मिक्स कर लेंगे डाल के। इसी तरह लपेट लेंगे सभी पीसेस को। इसके बाद कढ़ाई ले लिए हैं, तेल डाल दिए हैं, अब इंडक्शन ऑन करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब उस बैगन के पीस को अच्छी तरह से लपेट लिए हैं बेसन में। अब डालेंगे कढ़ाई में एक एक करके। गैस का फ्लेम ना ज़्यादा स्लो रखें ना ही ज़्यादा हाई रखें, मीडियम फ्लेम में रहे। पककर बहुत ही प्यारा कलर हो गया, गोल्डन कलर दिखने लगा है, अब निकालेंगे इसको बाहर। बहुत ही अच्छी बैंगन पकौड़ी बन के तैयार हो गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करें। जहाँ भी आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी आप कमेंट में पूछ ही लीजिएगा, बता देंगे पूरा डिटेल से। इस रेसिपी को आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं।